प्रभात सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, जैसे आप हमेशा चार्ज्ड अप रहते हैं, वैसे ही आज की जो थीम है कि आपके पोर्टफोलियो को भी चार्ज्ड अप रखना है, और ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम, स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। और थीम का जो नाम है प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का थीम का नाम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम है, हमेशा चार्ज्ड अप रखेगी आपके पोर्टफोलियो को। जो हमारा इंपोर्टेड ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होने की जरूरत है, पोल्यूशन कम करने की जरूरत है। वर्ल्ड वाइड जो मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूसेज है आज, वो नॉर्वे में 86%, आयरलैंड में 72%, चाइना जो एक इमर्जिंग कंट्री है भारत की तरह उसमें 16%, इंडिया सिर्फ 5%। इंडिया प्लान, सरकार जो प्लान कर रही है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएगी 2030 तक, जो आज 5% पे है। गवर्नमेंट पूरी इंसेंटिव दे रही है कंज्यूमर को एज वेल एज मैन्युफैक्चरर को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां पे ज्यादा बेहतर हो सके। ओवरऑल नॉन मेट्रो में इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम बहुत अच्छी चल रही है, साथ ही साथ सीएजीआर 50% के करीब, 49% सीएजीआर से ग्रो होने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां है, पैसेंजर व्हीकल है, ये मुझे लगता है कि और भी मजबूत हो सकती है। ये साल में 1 लाख की बिक्री होगी ईवी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर को लेके, कंपेयर टू 47,000 लास्ट ईयर। तो मैं मानता हूं कि प्लग एंड प्ले इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो थीम है, ये आपके पोर्टफोलियो को चार्ज अप रख सकती है। ओके, परफेक्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम चुनी है आज सिद्धार्थ जी ने। बताएं सर, इस थीम में कौन कौन से शेयर होते हैं फिट, कितना कितना पैसा उनमें लगाना है और कमाई कितनी हो सकती है? बिल्कुल जी, आपने जो जो सवाल पूछे सभी का जवाब है। चार कंपनियां हैं, चारों अलग अलग सेक्टर्स से है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, साथ ही साथ केमिकल और ऑटो एंसिलरी। सबसे पहली कंपनी होगी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जिसका टारगेट आपको रखना है 600 रुपीज का स्टॉप लॉस, 400 और 30% का लोकेशन रखना है। 15% ईवी सेल्स आता है अमंगस्ट द टोटल सेल्स। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, पैसेंजर व्हीकल में 85% का मार्केट शेयर है टाटा मोटर का। नेक्सॉन नंबर वन इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है भारत में आज। जेएलआर भी काफी हद तक काम कर रही है नए प्रोडक्ट्स लाने की। कंपनी टाटा मोटर इंटेंड कर रही है डेट फ्री होने की, और मैं मानता हूं कि फ्री कैश फ्लो के कारण टाटा मोटर बहुत अच्छा फिट बैठता है। दूसरी कंपनी होगी टीवीएस मोटर्स, टू व्हीलर की ईवी स्पेस की कंपनी। टारगेट 1350 का, 30 रुपए फिर से लगाए 100 रुपए में से। आई क्यूब जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर है, 14.5% का मार्केट शेयर है, स्कूटर मार्केट 24% का है, स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है ब्रांड की, और कैपेसिटी एक्सपेंशन 750 करोड़ का है। मैं मानता हूं कि रेवेन्यू 20% और 26% अर्निंग से ग्रो होने वाली कंपनी टीवीएस मोटर्स। तीसरी कंपनी यही क्रम में जो आएगी वो ऑटो एंसिलरी कंपनी होगी सोना बीएलडब्ल्यू। टारगेट 630 का, 20 रुपए लगाए 100 रुपए में से। प्रॉक्सी प्ले है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जहां पे 25% रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्ट से। 23,800 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, इसमें 70% ऑर्डर बुक ईवी से रिलेटेड है। तो जोरदार कंपनी जो ईवी कंट्रीब्यूट करती है, मैं मानता हूं कि सेल्स भी बंपर हो सकते हैं आने वाले साल में। सोना बीएलडब्ल्यू, टारगेट 630 का। अंतिम कंपनी एक केमिकल की कंपनी है जो बनाती है इलेक्ट्रोलाइट्स, और वो कंपनी है नियोजन केमिकल। अब इलेक्ट्रोलाइट है जो केमिकल है वो है बैटरी बेस्ड केमिकल है, तो मैं मानता हूं कि ये कंपनी लिथियम ऑन बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट्स लग सकती है। तो नियोजन केमिकल 1875 के टारगेट के लिए 20% लगाए, 30% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। तो ये है प्लग इन प्ले, प्लग इन एंड गो ग्रीन। ओके, अरे एक मिनट, हमारे थोड़े परसेंटेज में कैलकुलेशन 110% जा रहा है सर। टीवीएस मोटर्स 30, टाटा मोटर्स 30, सोना बीएलडब्ल्यू 30 और नियोजन 20, 110 हो रहा है, कौन सा कम करना है? सोना बीएलडब्ल्यू 20% है जी। 20 कर दे, ओके चलिए, तो सोना बीएलडब्ल्यू 20%, मतलब 110 कर, नहीं तो 10% ज्यादा नहीं हो सकता है होने में। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 10% सिद्धार्थ जी फाइनेंस भी कर सकते हैं, आखिर उनकी पसंद की थीम है। सिद्धार्थ जी फाइनेंस करेंगे उसी तरह से, जैसे कि काफी लोगों को उम्मीद है सिद्धार्थ जी उनकी ट्रिप फाइनेंस करेंगे जर्मनी की। उसी तरह की फाइनेंसिंग 110% के केस में मिल सकती है। ओके, तो ये चार स्टॉक है जो सिद्धार्थ जी को पसंद है, टाटा मोटर्स, और आखिरी स्टॉक है न्यूजेन केमिकल्स। यहाँ पर 20% करना है अलोकेशन,
1875 का टारगेट और 1620 अभी करंट प्राइस नियोजन केमिकल का आपके सामने एक बार हॉट वर्ड हम रख देते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। NEOGEN नियोजन केमिकल्स यहाँ पर 1875 का रखें टारगेट।